भारत व नेपाल बॉर्डर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि भारत व नेपाल बॉर्डर एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत व नेपाल की मैत्री संधि होने के कारण आवागमन जारी है, जिसको देखते हुए वहां पर आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। वहां पर एसएसबी जवानों के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। समय समय पर वहां पर एसएसबी जवानों के साथ बैठक की जाती है। बॉर्डर एरिया में पुलिस एसएसबी जवानों के साथ निगरानी करती है और अराजक तत्वों पर कार्रवाई करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, नेपाल बॉर्डर एक संवेदनशील बॉर्डर है। एक ओपन बॉर्डर होने के कारण और भारत और नेपाल के बीच मैत्री संधि होने के कारण आवागमन ऑलमोस्ट फ्री है। हमें इस चुनौती को देखते हुए कि किसी को कोई परेशानी हुई ना हो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम सभी प्रभावी कदम उठा सकें, हम सभी सही कदम मौके पर क्षेत्र में ले रहे हैं। इसमें जो प्रथम है वो ये है कि हमारी जो एसएसबी है, जो हमारी नोडल सुरक्षा एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है जो बॉर्डर में लगी है, उसके साथ तालमेल करके हम वहाँ सुरक्षा के प्रभावी कदम ले रहे हैं, जिसमें हमारी ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है। एक समय समय पे इंटेलिजेंस कलेक्शन की मेथडोलॉजी है, जिसमें हम लोग आपस में इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं और उस इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करते रहते हैं। तो बॉर्डर एरिया में हम एसएसबी के साथ और स्वयं जो हमारी जनपदीय पुलिस है, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स है उस पर संवेदनशील होकर विशेष रूप से कार्रवाई कर रहा है।